अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कैरी का दुप्याज़ा। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और 5 से 6 मिनिमम प्याज के डलियों को बारीक कट करके रख लिया है। कुकर को गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा कुकर गर्म होता है, हम इसमें ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। आपकी करी के हिसाब से, क्वान्टिटी के हिसाब से आप ऑयल ऐड करें, वरना कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 प्याज ली थी, तो मुझे इतना तेल बस है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो सब दाल के चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप प्याज को तल के ही बनाएं तो इससे टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए आप पहले प्याज को फ्राई करें। यहाँ पर मैंने सब तैयारी करके रखी है, कट करके रख लिया है। अब सिर्फ हमें प्याज को तल लेना है ब्राउन होने तक। इस पर ढक्कन ढाँप दें आप, ताकि हमारी प्याज जल्दी अपना पानी छोड़ दें। इसको और थोड़ा तलने देते हैं हम। अच्छे से मिलाएं आप इसमें, ताकि जो भी स्मेल है प्याज की वो चली जाए। ऐसा तल के बनाने से प्याज भी अच्छा जल्दी गल भी जाती है और भुने भी जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है, तो आप ज़रूर फ्राई करके बनाएं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची। ये सब डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं और इसे बारीक कट कर लिया है। इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा लाइट इसे हम पका लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, आप चाहे तो गोट मीट भी ले सकते हैं। ये सब डालने के बाद आप अच्छी तरीके से मिला लें इसे। और यहाँ पर मैंने कैरी को भी छील के कट करके रख लिया है। हम थोड़ी कैरी अब ऐड करेंगे और थोड़ी बाद में। टेस्ट के लिए आप इसमें थोड़ा सा डाल दें, डाल के इसे अच्छी तरह मिला लें। और इसमें ऐड करें 2 ग्लास वाटर, ताकि हमारी प्याज अच्छी तरीके से गल जाए। इसे हम लगा लेते हैं प्रेशर कुकर का ढक्कन। ढक्कन लगा के हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से पकने देंगे। इसको सीटी होने दें आप 5 से 6, ताकि हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा करी लीव्स डालें आप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए 5 से 6 पत्ते। और इसे अब हम ढक्कन लगा के पका लेंगे। आपकी प्याज जितना अच्छा गलेगी उतनी अच्छी भुनी भी जाएगी, तो उतना अच्छा टेस्ट भी आएगा। देखिए हमारी प्याज गल चुकी है, अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। लकड़ी का चमचा यूज़ करें आप। लकड़ी के चमचे की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मैश कर लें प्याज को। बिल्कुल भी हमारी प्याज नहीं दिखनी चाहिए, उतना भुने आप उसको। गली हुई प्याज है तो जल्दी ही मैश हो जाएगी। यहाँ पर जो बोन है मैं इसे निकाल लूँगी अलग से, ताकि हमें भुनने में आसानी हो जाए, फिर बाद में हम इसे ऐड कर लेंगे।
मीडियम फ्लेम पे आप इसे रख के अच्छे से भून लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे शेयर करें। और मेरे चैनल पे और भी सारी डिशेस मौजूद हैं हैदराबादी डिशेस, तो आप लोग ज़रूर जाके चेक करें। मैं 2-3 रेसिपीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची, और बाकी जो कैरी कट करके रखे थे वो भी हम ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिला लें आप, और जो बोन हमने निकालने रखा था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको अब हम अच्छे से पकने देंगे जब तक हमारी कैरी गल नहीं जाती। इसे अच्छा पका लें आप। प्याज हमारी यहाँ पे भुन जा चुकी है, बस 2-3 मिनट पका लें आप। अब हमारी डिश तैयार है सर्व करने के लिए। देखिए बनने के बाद आप इस तरह से लग रही है हमारी डिश, तो ज़रूर बताएं आप कमेंट में आपको मेरी डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।